जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट कोविड-19 सिचुएशन की बात करते चले तो आए दिन केसेस इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं, यानी कि कोरोना संक्रमण अब बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट संडे की बात करें तो सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, जिसके बाद से नाइट कर्फ्यू घाटी में इम्पोज कर दिया गया था, यानी कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें, ये जो नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था, इसके बावजूद भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ पेपर्स तक ही सीमित रह जाती है और ग्राउंड रियलिटी में इसका दूर दूर तक पालन कहीं पर भी नहीं किया जाता है। और अब जिस तरह से शादी सीजन शुरू हो चुका है, बैंकेट हॉल्स एंड मैरिज हॉल्स में मैक्सिमम नंबर पर पब्लिक गैदरिंग देखी जा रही है, मैरिज फंक्शंस ऑर्गेनाइज होना शुरू हो चुके हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका जो सीधा असर देखने को मिलेगा वो कोविड पॉजिटिव केसेस पर देखने को मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम चांसेस यहां पर इंक्रीज हो जाते हैं थर्ड वेव के आने के। जी हाँ दर्शकों, हालांकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सोशल गैदरिंग्स है उनकी लिमिट 25 तक कर दी गई थी, यानी कि मैरिज हॉल्स एंड बैंक्वेट हॉल्स में जो कैपेसिटी है लोगों की वो सिर्फ 25 तक उनको लिमिट रखने को कहा था, लेकिन ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। शादी सीजन शुरू होते ही बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल्स की बात करें तो जो कैपेसिटी है लोगों की वो मैक्सिमम नंबर पर देखने को मिल रही है, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार और भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की सोच रही है। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक बड़ा अपडेट जो इस वक्त सामने आया है, आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू डीसी जम्मू जो द्वारा एक नई गाइडलाइंस लागू की गई है, नई गाइडलाइंस अभी अभी सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग अब और भी जो स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ती जाएगी। क्या स्ट्रिक्टनेस जो है वो लागू की गई है आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कहीं पर भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस, खासकर नाइट कर्फ्यू को लेकर और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने का डिसाइड किया। अभी कुछ समय पहले ही जिस तरह से हमने आपको बताया कि डीसी जम्मू द्वारा कोविड रिस्ट्रिक्शंस पर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, गाइडलाइंस हमारे सामने आ चुकी है। आपको जानकारी देते चले कि गाइडलाइंस पर साफ तौर से ये कहा गया है कि अब जितने भी इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स होंगे जम्मू डिवीजन में खासकर, वो 10 बजे से पहले तक ही होंगे, यानी कि अब रात 10 बजे के बाद आप किसी भी बैंक्वेट या फिर मैरिज हॉल में कोई भी इवेंट या फिर फंक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। रात 10 बजे इसकी आखिरी लिमिट रहेगी। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है कि सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स और तहसीलदार को इसका पालन सख्ती से करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 के मामले लगातार घाटी में बढ़ते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अब जरूरत ये हो चुकी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो किया जाए। विशेष तौर पर शादी समारोह की बात करें तो इनके दौरान जो भी इस फंक्शन में इकट्ठे होते हैं भीड़ भाड़, और ये फंक्शंस लेट नाइट तक भी चलते रहते हैं, तो उनमें कोविड ट्रांसमिशन ज्यादा फैलने का रिस्क रहता है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी सेकेंड वेव की बात करें तो उस समय भी सेम सर्कमस्टांसेस देखने को मिले थे, जिसके बाद अप्रैल मंथ के बाद से यहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। उस समय भी शादी फंक्शंस चल रहे थे और बैंक्वेट हॉल्स में मैक्सिमम कैपेसिटी देखी जा रही थी, लेट नाइट तक ये फंक्शंस चलते रहते थे और कोविड ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा ऐसे फंक्शंस में फैलता है। तो इस बार जो सरकार है उसने और स्ट्रिक्टनेस यहां पर कर दी है और नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कह दिया है कि 10 बजे के बाद से कोई भी फंक्शन कंटिन्यू नहीं करेगा। आखिरी टाइम लिमिट जो है वो सिर्फ 10 बजे होगी, और साथ ही साथ सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स एंड तहसीलदार को ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि वो खासतौर पर ध्यान रखे कि हर बैंक्वेट हॉल में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर दूं कि इस रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग एक और गाइडलाइन जो यहाँ पर लिखी गई है वो ये है कि इन सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स और तहसीलदार को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वे इन बैंक्वेट हॉल्स या फिर मैरिज हॉल्स में रैंडम इंस्पेक्शन भी कंडक्ट करें, और अगर इस इंस्पेक्शन के दौरान उनको कोई भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वायलेशन दिखता है, यानी कि अगर ऐसे हॉल्स में पालन नहीं किया जा रहा है कोविड गाइडलाइंस का, तो इनके पास पूरा अधिकार है इस बैंक्वेट हॉल को सील करने का, या फिर इन बैंक्वेट हॉल के जो ओनर्स हैं उनसे भारी मात्रा में पेनल्टीज या फिर
फाइन चार्ज करने का। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसी के साथ ये भी लिखा है कि ये जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स और तहसीलदार हैं, अगर इनको ऐसा लगता है कि इस बैंक्वेट हॉल में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ये सबसे पहले बैंक्वेट हॉल के जो ओनर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कंडक्ट करें, उन्हें समझाए कि सख्ती से पालन किया जाए यहाँ पर, और अगर फिर भी मीटिंग के बावजूद भी ये नहीं मानते हैं तो इनको पूरा हक दिया गया है इस बैंक्वेट हॉल को सील करने का और साथ ही साथ पेनल्टीज चार्ज करने का। दर्शकों ये थी पूरी खबर आपके समक्ष, जो अभी अभी नई गाइडलाइंस कोविड रिलेटेड सामने आई है। खासतौर पर जम्मू डिवीजन की बात करें तो डीसी जम्मू द्वारा इस गाइडलाइंस में ऐसा कहा गया है कि 10 बजे के बाद से आप कोई भी मैरिज फंक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शादी सीजन यहां पर शुरू हो चुका है और मैक्सिमम चांसेस कोविड के इंक्रीज होने के इसी टाइम पर देखने को मिलता है। सेकेंड वेव के दौरान भी यही टाइम था जब लॉकडाउन लगाया गया था, तो इसीलिए इस बार सरकार ने डिसाइड किया है कि हम पहले से ही स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लेते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो कैपेसिटी लास्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 25 कर दी गई थी, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए जो कोविड जो मैरिज फंक्शंस की लिमिट है लोगों की, वो 25 तक ही रखें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाएं। पब्लिक गैदरिंग्स को जितना आप इस समय अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। यहाँ पर सिर्फ बात पब्लिक गैदरिंग या फिर शादी समारोह की नहीं हो रही, इसी के साथ साथ पॉलिटिकल गैदरिंग या फिर अन्य भी आप किसी गैदरिंग में चल जाते हैं, तो उनको जितना आप इस समय अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। और अगर कोई जरूरी काम से अगर आपको जाना भी पड़ता है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा सख्ती से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और सैनिटाइजेशन करते रहें और सारे नेसेसरी जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते रहें। तो दर्शकों ये थी पूरी खबर, ऐसे ही और भी बड़े अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को जरूर आगे शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अन्य लोग भी अपडेटेड रह सकें। दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय।